स्टार्ट। जितना अधिक समय अन्वेषण के दौरान अपेक्षित होता है, यदि परिवादी द्वारा अधिकथित तथ्य सत्य है तो प्रस्तुत मामला अत्यंत गंभीर है, जहां लगभग 21 लाख रुपए परिवादी की जेब से एक योजनाबद्ध तरीके से झांसा देकर निकलवा लिए गए हैं, जो इस स्तर पर अपनी योजना और उसके निष्पादन दोनों में निर्दोष प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी ध्यान देना है कि अन्वेषण अभिकर्ता के पास ऐसे मामलों के लिए बहुत कम समय था, जैसा कि यह है, जिसमें प्रदान की गई रिमांड के पश्चात अभियुक्त के साथ व्यवहार करना है, और वह भी कड़ी शर्तों के अधीन। अतएव पूर्वोक्त कोई ऐसा आधार नहीं है जिस पर नए रिमांड के लिए आवेदन को रद्द किया जा सकता हो। पैराग्राफ चेंज। इस बात की उपधारणा नहीं की जा सकती है कि अनुभवी अन्वेषण अभिकर्ता रिमांड पर होने वाले किसी व्यक्ति से सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने प्रयत्न में अपने प्राधिकार से आगे बढ़ जाएंगे। रिमांड के लिए नए आवेदन की अंतर्वस्तु से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि प्रश्नगत मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए उद्देश्य से अनेक पहलुओं की जांच की जानी है। अतएव इस पहलू से वर्तमान आवेदकों को कोई सहायता नहीं मिल सकती है। प्रस्तुत मामले में भारी स्टॉक अनेक हाथों में और अनेक स्थानों पर विभिन्न समयों पर गए थे, और इसलिए इस स्तर पर यह कहना ठीक नहीं होगा कि बरामदगियों याचियों द्वारा दी गई सूचना पर कार्यवाही की जा रही है। यह भी हो सकता है कि याचियों को उन सभी संव्यवहारों की जानकारी न हो जो प्रश्नगत मसल की प्राप्ति के पश्चात किए गए हैं। प्रस्तुत मामले के तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि यह इतने जटिल है कि यह बात पूर्ववर्ती रूप से नहीं कही जा सकती है कि किस दशा में मामले में अन्वेषण आगे बढ़ेगा। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मेरा यह समाधान हो गया है कि अन्वेषण अधिकारी सत्य का पता लगाने की दृष्टि से मामले की गहराई में जाना चाहता है, यद्यपि आवेदक जानबूझकर उसे पथ भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रस्तुत मामले में जैसा कि इससे पूर्व कहा गया था, अभियुक्त ने अपना मुंह बंद नहीं रखा है, बल्कि अन्वेषण को गलत मार्ग पर ले जाने के लिए अपना मुंह खोला है। केरल उच्च न्यायालय के समक्ष का मामला ऐसा नहीं था। दो महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया जाना है जिन्हें अपने आप को अपराध में फंसाने की प्रतिभूति के विरोध में महत्व और परिणामों को आंकने के पूर्व सर्वप्रथम स्थान पर रखा जाना चाहिए। पहली बात यह है कि
हम पुलिस द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को, जिसका दबाव डालकर अपने आप को अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य दिलवाए जाते हैं, एक अतीत की बात कहकर छोड़ा नहीं जा सकता है। इस समय का भारतीय इतिहास इस बात की अनुमति नहीं देता है कि समकालीन संसार का इतिहास उसे माफ नहीं करे। अगले स्थान पर हमें कदापि यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में और अंतरराष्ट्रीय रूप से अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी गुप्तचरों को चालाकी से मात देते हैं। यूनाइटेड स्टेट के नगरों में जो कुछ होता है, उसका प्रभाव दूसरे देशों पर, जिसमें हमारा देश भी सम्मिलित है, पड़ता है। अतएव यह बात सदैव याद रखने की है कि दांडिक न्याय पद्धति की पहली बाध्यता सबूत के माध्यम से सच्चाई का पता लगाकर और उसे साबित करके न्याय करना है। यथार्थ रूप से साधन भी उतने ही अच्छे होने चाहिए जिससे उद्देश्य अच्छे हों और व्यक्तिगत सम्मान और जनसाधारण की स्वतंत्रता को अनुचित साधनों की सहायता देकर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता है, चाहे उद्देश्य कितने ही अच्छे हों। स्टॉप।